वेलकम टू लक्की डेवलपर दोस्तों, लक्की डेवलपर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं वाग्नी। वाग्नी आपको पता होगा, वाग्नी जो है कल्याण से हार्डली जो है एक पांचवा स्टॉप है, बदलापुर। वाग्नी आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस जगह है वाग्नी। तो वाग्नी के अंदर जो है हम लोग ने देखिए ये प्लॉट को परचेस किया हुआ है और काफी बेहतरीन प्लॉट है। आजू बाजू में जो है पूरा डेवलप एरिया है, बीच में ये प्लॉट है और मैं बता दूं बिल्कुल स्टेशन, अगर आप स्टेशन देखते हो तो इसी बिल्डिंग के पीछे जो है एकदम वॉकेबल। शायद मैं कितना दूर होगा यहाँ से यार, पांच मिनट की दूरी पे शायद मैं बता रहे वॉकेबल, पांच मिनट की दूरी पे। फिर भी हम जो है अपनी बाय कार से जाएंगे और कार से जाते हुए टाइम देखेंगे कि कितने टाइम में हम जो है स्टेशन पहुंचे। और आप लोगों को बता दूं मैं, स्टेशन के आजू बाजू या रोड को लगी हुई चीज अगर आप परचेस करते हो तो मैं कहता हूं कि उसका जो है बेनिफिट शायद बहुत अच्छे तेजी से बढ़ता है। तेजी से, क्योंकि स्टेशन का एरिया जो एक से दो किलोमीटर का दायरा होता है नदी में, तो फ्यूचर डेवलपमेंट में ऐसा फास्ट जाता है, अगर कोई बड़ा बिल्डर लेता है तो वो भी एक दो पांच दस साल के अंदर आपको बेनिफिट अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है के हिसाब से अच्छी। और स्टेशन के बाहर निकलो शायद मार्केट मिल जाती है, मार्केट स्कूल से कॉलेज है, बाजार है, शेयरिंग रिक्शा है, ऑटो है, पूरा घर तक आएगी। और मैं बोलता रिक्शे की तो जरूरत भी नहीं, एकदम वॉकेबल पांच मिनट की दूरी पे। बता दूं मैं जिस प्लॉट पे हम लोग खड़े हैं, ये 1 RK का सैंपल फ्लैट हमारा बन चुका है, मैं वीडियो डाल दूंगा। और 2 BHK का भी जो सैंपल फ्लैट हमारा बन रहा है, इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा इसी वीडियो के अंदर, आप लोग पूरी वीडियो को देख लीजिए। और किसी ने जैसे ये 20 फीट का रास्ता है, 20 फीट के रास्ते के ऊपर अगर किसी ने परचेस किया तो शायद उसको क्या मिलेगा, दुकान प्लस मकान लो या 2 BHK का घर लो, दोनों ऑप्शन है। ये 20 फीट के रास्ते पे, 20 फीट जैसे गाड़ी खड़ी हुई अपने घर में आ गए, बराबर तो शायद प्लॉट तो बहुत जबरदस्त है। न्यूयॉर्क का ऑफर नहीं, धमाका है। क्या धमाका है भाई, वाग्नी में अभी फोड़ दो ना। वाग्नी में सबसे पहला प्रोजेक्ट है लक्की डेवलपर्स का, तो इंशाल्लाह आप लोग का। और बता दूं मैं, इसका नाम भी सोच लिया, शायद नाम तो बताओ, लक्की हाउसिंग वाग्नी फेज 1। क्या बात है, लक्की हाउसिंग वाग्नी फेज 1। तो शाहिद भाई ने बहुत अच्छा नाम सोचे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर ऑलरेडी जो है ओपनिंग करने से पहले 2 बुकिंग भी शाहिद भाई चालू। हम लोग आए ये चीज को देखे, साथ में हमारे साथ में कस्टमर भी आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 2 बुकिंग भी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी अपना ऑफिस बन चुका है, बाजू में जो सैंपल फ्लैट बनने वाला है 2 BHK का, आप लोग आइए जल्द से जल्द। आज ही से अगर आप फायदा उठाते हो तो न्यू ईयर के हिसाब से आप लोगों को उसके अंदर जो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा और कुछ ऑफर में आपको जो है फजनीस भी दिया जाएगा। अपने जो कस्टमर आएंगे कुछ उसके अंदर हम लोग फजनीस भी आपको करके देंगे, ठीक है। और अगर आप कैश द्वारा लेते हो तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, नहीं आपके पास डाउन पेमेंट है तो भी आप लोग आइए, कम से कम डाउन पेमेंट में भी आप अपने घर की शुरुआत कर सकते हैं। तो शाहिद भाई और यासीन भाई अपने को EMI की भी फैसिलिटी देना पड़ेगा जी, ठीक है। प्लॉट तो ऐसा नहीं है, प्लॉट काफी बड़ा है, अभी हम लोग आप लोगों को लेके चलेंगे रोड के ऊपर और स्टेशन बताएंगे, बहुत प्यारी चीज है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जंगल विवान के अंदर खड़े, चारों बाजू आप देख रहे हो पूरी बस्ती के बीच में। शाहिद भाई जरा, यासीन भाई जरा लोकेशन ऑन करो, जरा मैं बता दूं यो लोकेशन आपको ऑन करके बता दे कितना नजदीक यहाँ पे स्टेशन है। तो आप लोग ज्यादा देर मत कीजिए क्योंकि इस तरीके से रूम बनेगा और इसी तरीके से जो है आपके सामने चेकर स्लादी आपको लगा के दी जाएगी। ये तो अपना जो ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस के बाजू में सैंपल फ्लैट बन रहा है, तो इसी तरीके से जो है 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तक का आप लोगों को पूरा रूम मिल जाता है। तो बुकिंग अमाउंट हम लोग ने जो है इसकी शुरुआत में हम लोग ने सब जगह आपने 11,000 रुपए रखे, लेकिन इसकी जो बुकिंग शुरुआत रखी हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए रखेंगे भाई। बुकिंग अमाउंट जो रखे हम लोगों ने शुरुआत में सिर्फ 5,000 रुपया रखे है, इसलिए क्योंकि हर जगह बुकिंग अमाउंट हमने 11,000 रुपए रखे। ये स्टार्टिंग में अगर आप लोग आओ तो ऐसा नहीं लग रहा मंगा क्या हमने कोई बड़ी रकम हमारी डूबने वाली है, कुछ भी नहीं डूबेगी आपको। अगर वो रकम भी वापस मांगता है 5,000 तो भी आप लेके जा सकते हैं। साइट विजिट करने के बाद भी अगर आपको बुकिंग अमाउंट वापस लेना हो तो भी आई रिफंडेबल बुकिंग अमाउंट है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया बुकिंग अमाउंट। तो बहुत प्यारी चीज है। अभी हम लोग देखते हैं लोकेशन भाई, देखो ये 3 मिनट है स्टेशन से, ये रेलवे स्टेशन है वाग्नी का, ठीक है।
और यहाँ से होते हुए अपनी गाड़ी यहाँ तक जा सकती है। और वॉकेबल जो ये डिस्टेंस बता रहा है वो 5 मिनट का है। देखिए ये मैं वॉकेबल लगा दिया अभी, ये स्टेशन से लेके वॉकेबल 5 मिनट है सिर्फ। हाँ यार, ये क्या 5 मिनट आ रहा है? हाँ, ये 300 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर स्टेशन। आदमी पैदल आता है तो 300 मीटर की दूरी पर है, और अगर जैसे वो कार से आता है तो उसको 500 मीटर की दूरी पर आता है। बहुत नजदीक है यार। तो इसी तरीके से अपन कंटिन्यू करते हुए जो है यहाँ से अपन जो रेलवे स्टेशन भी जाएंगे, और दोपहर का टाइम है तो अभी मार्केट का भी बाजार भरना चालू हुआ रहेगा, वो भी दिखाते। तो शाहिब भाई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी चीज है। देखो ना, पूरे बस्ती आबादी, चारों आबादी बस्ती है, सामने देख रहे हो मेन रोड है, देखो सात सात माले की बिल्डिंग। हाँ यार, सात सात माले की पूरी बिल्डिंग वगैरह भी चालू है। बराबर। तो शाहिद भाई इसके अंदर जो है बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनको 1 आर के रूम चाहिए, है ना। अपने बहुत से ऐसे जो गरीब है जिनको बड़ा भी रूम चाहिए। अच्छा, वो भी तो क्या चाहिए भाई? बोलते हम भले भाई हमारे हमारे पास पैसा कम है लेकिन रूम भी हमको बड़ा चाहिए क्योंकि फैमिली बड़ी है। पैसा भी हम कम ही लेंगे नदीम भाई, न्यू ईयर के ऑफर के। हाँ, पैसा भी कम लेंगे। अच्छा, एक बात चीज और है, अगर किसी को लोन अमाउंट में भी अगर जाना है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई अपने को लोन में चले जाना है, अपने को लंबा टाइम चाहिए 5-6 साल 7 साल का, तो उसके लिए भी उसके मतलब लिए भी अपने जगह रखे है, उसके लिए भी बैंक लोन हो जाएगा, अपनी तरफ से भी टेंशन नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। पेपर टाइटल क्या साहिद भाई, पूरे क्लियर है? क्लियर टाइटल है, 7-12 शो करके अपन पूरा 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 बंच अपने पास आ जाएगा, 7-12 शो कर देंगे, गट बुक नकाशा इसका प्लान भी हो गया है, सारी चीजें हो चुकी है, इसकी पूरी प्लानिंग है। बराबर, ये 20 फीट का रोड है नदीम भाई। हाँ, और यहाँ से ऐसा 1, 2, 3, 4 रो बैठ रही है इधर पे। बराबर, बीच में 7 फीट का पैसेज है, और जो हम खड़े हैं ये सैंपल रूम के पास खड़े हैं फिलहाल, ये 1 आर के पे 1 आर के ऑफिस है जो अपनी उधर पे खड़े हैं। तो इस तरीके से मतलब छोटी छोटी जो चौल है शायद ज्यादा गर्दी नहीं है यार, एक चौल में जो 4 ही रूम। हाँ, 4 ही रूम। इसी तरीके से जो है पूरा कंटिन्यू करते हुए जो है आगे बढ़ने का चांस है। बराबर, आगे अपन इसी तरीके से बढ़ते शुरुआत है इंशाल्लाह। तो मैं बता दूं, सामने जो है वो पूरा मेन रोड है, ठीक है, मेन रास्ता बोले तो मार्केट में जाने वाला, स्टेशन जाने वाला, मुश्किल से 300 मीटर के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट अपना चालू हो रहा है। बहुत से लोग नदी में बोलते हैं स्टेशन के करीब लाओ, स्टेशन करीब चाहिए, कोई बुजुर्ग मतलब जो उम्र दराज भी लोग है वो नहीं आ सकते थे, कहीं कहीं अभी रिक्शा भी अपन ले जाते तो लोगों को लंबा लगता है, लंबा लगता है। हाँ, तो ये कैसा, अभी जो बच्चे है, बूढ़े है, जवान है, सब आ सकते हैं भाई, पैदल चल। हाँ यार, समझे। तो चलो यासीन भाई, जरा गाड़ी घुमा, अपन कंटिन्यू करते हुए चलते जरा स्टेशन की तरफ। फिलहाल इस तरीके से पूरा चेकर स्लादी लगा के मिल जाती है, रूम देखिए काफी बेहतरीन। अभी ये 2 BHK का रूम अपन बना के लेते हैं सिंपल, ठीक है। अभी तो रूम बनाने का भी चांस नहीं मिला, और माशाल्लाह 2 बुकिंग भी हो गई। 2 बुकिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बहुत अच्छी बात है, मटेरियल सब गिर चुका है, मटेरियल वगैरह भी यहाँ पे आ चुका है, अभी काम स्टार्ट होने वाला है। ये मैं यासीन भाई की जो गाड़ी अभी है ये 20 फीट का रास्ता कंपलसरी दिया हुआ है। तो भाई लोग, आप लोग ज्यादा देर मत कीजिए, जो भी अगर ये वीडियो को देख रहा है तो शाहिद भाई के और यासीन भाई के नंबर पे फौरन कॉन्टेक्ट कीजिए, इसलिए इसको चीज को देर मत कीजिए। इसके अंदर ज्यादा प्लॉट अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर हम लोग आगे चल के इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू आगे करते रहेंगे तो इसका रेट वगैरह भी बढ़ता चला बढ़ता जाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए अभी जो है हम बताएंगे इंशाल्लाह, कुछ दिन और रुको, धमाके वाली प्राइस पे ये इससे ज्यादा धमाका क्या चाहिए यार। सबसे चीप कम में प्राइस में बोलेंगे तो 1 आर के 1 BHK मिले, सबसे सस्ता प्राइस है। और जो है हम लोग जो 1 आर के की जो कीमत रखी है वो शाहिद भाई यासीन भाई के कॉन्टेक्ट करके आप जो है फोन पे जान लीजिए, ठीक है, पूरी डिटेल्स ले लीजिए। और बुकिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 5,000 से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो गाड़ी हम लोग की घूम चुकी है स्टेशन पे जाने के लिए, और ये है 20 फीट का पूरा रास्ता जो कि बिल्कुल स्टेशन पे जा रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट स्टेशन की तरफ। आप लोगों को मैं स्टेशन भी बता दो, अगर कार से जाते हैं तो वॉकेबल जाते हैं तो 3 मिनट की दूरी पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से साइड से निकल चुके हैं, ठीक है, और अभी हम लोग जो है मेन रास्ते के ऊपर पहुँचने वाले, जो कि बाकायदा RCC का रोड बना हुआ है, ऐसा भी नहीं कि रोड कच्चा है, RCC का पूरा रोड बना हुआ है। ये अभी पूरी जगह जो है पूरी साफ सफाई हो जाएगी, ये पूरा जगह को कंपाउंड है, हर जगह से जो है पोल वगैरह मारा हुआ है, ये गेट है, देखिए ये पूरा गेट बनने वाला है। और ये हम आ गए RCC रोड के रास्ते के ऊपर, और ये हम जा रहे हैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन और मार्केट की तरफ। ये देखिए पूरा RCC रोड है, कितनी घनी आबादी है, पूरी घनी आबादी है। और आपको तो पता है स्टेशन के करीब में अगर आप लेते हो तो आपको घनी बस्ती और मार्केट जरूर मिलेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर भी नहीं है नदीम भाई, आधा किलोमीटर, 300 मीटर। ये स्कूल है, ये देखिए बड़ा स्कूल है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन गेट के अंदर गेट। ये स्कूल है शायद भाई? हाँ स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा। हाँ यार, बड़ी स्कूल है यार, बिल्कुल साइड से आधे मिनट के आगे सीन देखिए, काफी खूबसूरत लग रहा है, ऐसी साइलेंट जगह माथेरान, सीन देखो काफी खूबसूरत लग रहा है, सनसेट। हाँ ना यार, बहुत सी जगह पे शायद भाई ऐसे ही होता है, हमको साइलेंट जगह भी चाहिए, मार्केट भी नजदीक हो, वॉकेबल हो, और अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी है। तो बदलापुर से मैं समझता हूँ 5-10 मिनट में वांगनी तो बुरा आइडिया नहीं है।
ये बड़ा मॉल बन रहा है नदी, ये पूरा मॉल बन रहा है क्या? ये पूरा शॉपिंग सेंटर शॉपिंग मॉल है। क्या बन रहा है? ये शॉपिंग सेंटर पूरा मॉल है, देखो ना शॉप है ना ऑफिस सब है। हाँ यार, फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न कमर्शियल करके दो जोरों से काम चालू, बिल्कुल स्टेशन से करीब है, स्टेशन के करीब है, मॉल बन रहा है, बाकी तो पूरी जो है यहाँ पे सिटी को लगा हुआ है। अभी आगे सामने स्टेशन, ये कौन सा? ये अम्बेडकर चौक है भाई, ये अम्बेडकर चौक, इसको सवारे रोड बोलते हैं नदीम भाई, जो अपनी साइट पे जा रहा है ना। हाँ हाँ, सवारे रोड करके है, सवारे रोड। ये क्या, ये रिक्शा स्टैंड है? मतलब 2-3 किलो 5 किलोमीटर पे जाने के लिए जी जी, ये सब ऑटो शेयरिंग दिया हुआ है। ये हम किधर आ गए? अम्बेडकर चौक। ये अम्बेडकर चौक आया, अच्छा। और स्टेशन कहाँ आ गया? स्टेशन सामने है, सामने ये स्टेशन आ गया। जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये स्टेशन है, पूरा बाजार है। देखिए अभी पूरा बाजार भर रहा है, क्योंकि बाजार जो है 5 बजे के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, 5 बज के जा रहा है। 5 बजे के बाद यहाँ पे जो स्टेशन के करीब में पूरी मार्केट है, अच्छा बड़ा बाजार। बाकी यहाँ पूरी पब्लिक, पूरा आरसीसी रोड है नदी में, वहां से हम यहाँ तक खुडी नहीं है, सब रेलवे स्टेशन से पब्लिक आना चालू है, चालू हो गई जी, काफी भरी आबादी है। हाँ, प्लॉट तो बहुत जबरदस्त है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो शायद उनके लिए तो बहुत प्यारी चीज है। अच्छा, और मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्लॉट जैसे रेडी रूम जो लेता है तो उसको रेंट भी आना तुरंत चालू हो जाएगा, चालू। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो 30% सिर्फ देना है और 50% पे आपको जो है पोजीशन मिल जाएगा, 30% पे काम की शुरुआत। अच्छा, स्टेशन आ गया जाने दो भाई आगे। ये वांगनी स्टेशन, वांगनी स्टेशन। हाँ यार, ये वांगनी स्टेशन है, पब्लिक की गाड़ी से 2 मिनट भी नहीं लगाना। ये वांगनी स्टेशन है, और अभी हम लोग जो है इसी तरीके से जो हाईवे निकल जाएंगे, जो माथेरान हाईवे, बराबर। यह आ गया सामने माथेरान। ये जो है अभी हम लोग ने फाटक क्रॉस कर लिए, ईस्ट और वेस्ट का फाटक क्रॉस करके अभी हम लोग आ रहे नेरल करजत हाईवे पे, जो कि मुंबई के लिए जाता है, नेरल करजत मेन हाईवे। सामने देखिए माथेरान माउंटेन कितना खूबसूरत लग रहा है शायद है। अरे पहाड़ और नदी के कितने दिखा दिखा कर उनने सब सेल कर दिया था, सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। शायद ये कौन सा हाईवे? अपना मुंबई करजत हाईवे ना। हाँ, ये नेरल करजत माथेरान। अगर आपको जाना हो तो यहाँ से जो है एक तरफ कल्याण चला जाता है, एक तरफ कल्याण चला जाता है, एक तरफ जो है नेरल माथेरान के लिए चला गया है। ठीक है, ये मेन हाईवे पे आ गए। ये क्या बैंक्स वगैरह भी है यार, सब नेशनलाइज बैंक भी है। अच्छा, पेट्रोल पंप भी यहाँ पे नजदीक है क्या? सामने पेट्रोल पंप है, हर चीज की फैसिलिटी है। चलिए अभी वीडियो तो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग, तो शायद भाई प्लॉट तो बहुत प्यारा लगा है, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं करेंगे अभी जो है। आगे का अपडेट और अच्छा अच्छा आगे का अपडेट जो फटाफट फटाफट जाएगा, क्योंकि लोगों का आना जाना जब चालू होगा तो रनिंग में मेरे ख्याल से जल्दी से चॉइस के जो भी प्लान के अंदर जो चीज है वो शायद बचना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड है बहुत, एक शुरुआत के हिसाब से बहुत लिमिटेड है। तो आप लोग ज्यादा देर मत कीजिए भाई, मैं प्लान भी आप लोगों को दूंगा, पेपर वर्क भी आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए। साइट विजिट कर लीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और बुकिंग अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत। तो चलिए भाई, रखिए अपना ख्याल, वाग्नी फेस 1। ओके, चलिए, थैंक यू।